आज की वीडियो में हम बात करेंगे एबॉक्सिल 125 एमडी टीटी टैबलेट के बारे में, यानी कि एमोक्सिसिलिन डिस्प्रेविल टैबलेट के बारे में बात करेंगे। क्या इसके यूज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं और कौन कौन सी कंडीशन में इसका इस्तेमाल कराया जाता है। तो एमोक्सिलिन की अगर बात की जाए तो इवोमेक्सिल 125 एमजी डीटी इसका साल्ट होता है, और डीटी का मतलब होता है जो भी कोई टैबलेट के आगे डीटी लगा हुआ होता है उसका, जो हिंदी में समझ लीजिए कि उसका मतलब होता है डिस्प्रेसेबल टैबलेट, यानी कि वो चूसने वाली भी होती है जो आपके मुंह में घुल जाए। तो ये 125 एमजी में होती है और लीफोर्ड कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। लीफोर्ड एक ब्रांड कंपनी है जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं और बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट होता है। अगर बात की जाए इसके यूज की, तो इस टैबलेट का इस्तेमाल जब आपके जो बच्चे होते हैं उनमें नोज़िया, कफ कोल्ड यानी कि खांसी, नज़ला, जुकाम या जब निमोनिया का लक्षण होते हैं तो उस समय पेडियाट्रिक डॉक्टर यानी कि जो बच्चों वाले डॉक्टर होते हैं वो ज़्यादातर इसी टैबलेट का यूज करते हैं। अगर इस टैबलेट की बात की जाए तो ये टैबलेट बच्चे का वजन और उम्र के हिसाब से प्रिस्क्राइब की जाती है। तो अगर आपकी फैमिली में भी किसी ने इस टैबलेट का यूज किया है या आपकी फैमिली में किसी ने खाई होगी तो आज इसका आपको पूरा रिव्यू मिल जाएगा। तो अगर बात की जाए इसकी एमआरपी की, तो ये टैबलेट आपको 22 रुपये की 10 गोली का एक स्टेप होता है, यानी कि आपको 2 से 2.5 रुपये की एक टैबलेट मार्केट में मिल जाती है। और जब आपकी फैमिली में जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल के या 4 साल के, उनको खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार की शिकायत होती है तो डॉक्टर इस टैबलेट को देते हैं। ये एक मीठी टैबलेट होती है जो बच्चे के मुंह में पहुंचने के बाद डिसेबल यानी कि डिस्प्रेसेबल घुल जाएगी और बहुत ही अच्छे इसका रिजल्ट होता है। तो इसीलिए एवोक्सिल 125 डीटी इसके आगे लगा हुआ होता है। तो आपकी फैमिली में जो बच्चों को खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार होता है तो आप इस टैबलेट का भी इस्तेमाल करा सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।